अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 14। जो ग्रुप 14 एलिमेंट से इसके जो क्लोराइड्स है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके स्टेबिलिटी को और इसके रिएक्शंस विद वाटर को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। बेसिकली दो तरह के ऑक्साइड क्लोराइड्स जो है वो बनते हैं, MCl4 और MCl2। लाइक PbCl4, CCl4, SiCl4 या PbCl2 या SnCl2। तो एक वो जिसमें चार क्लोरीन एटम अटैच हो, दूसरा वो जिसमें दो अटैच हो। पहले पढ़ते हैं MCl4 को। MCl4 जो है ऑल द ग्रुप 14, या जिसको हम पुराने नामनक्लेचर में ग्रुप 4 भी कहते हैं, दे एलिमेंट्स गिव टेट्राक्लोराइड्स। ये टेट्राक्लोराइड्स जो है वो बनाते हैं। MCl4 को टेट्रा और इसको डाइक्लोराइड बोलते हैं। ये MCl4 जो है, दीज आर फ्यूमिंग लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर कोवेलेंट इन नेचर एंड दे हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये अगर आप देखें, चूँकि ग्रुप 14 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 NP2 है, तो इसके NS में, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन की हम बात करें तो इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह इसके 2px में 1 और 2py में 1, तो मैंने सब के लिए लिखा है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि MCl4 जब बनता है, जो CCl4 या SiCl4 या PbCl4, तो इसमें ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये तीन और ये एक ऑर्बिटल मिक्स होकर sp3 हाइब्रिडाइज चार ऑर्बिटल बनाते हैं, क्योंकि चार मिक्स हुए तो चार बनेंगे। तीन s और एक p मिक्स हुआ तो sp3। तो इस पर हमने डिटेल से भी वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने, आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को शेयर करता हूँ, वहाँ से आप क्लियर करें। यहाँ पर मैं सिर्फ ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिस तरह हमें पता है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके दरमियान जो एंगल होता है, दे आर ओरिएंटेड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस सच दैट दे हैव 109.5 डिग्री एंगल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये जो MCl4 टाइप क्लोराइड्स हैं, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो स्टेबिलिटी ऑफ MCl4 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर मैंने शो किया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वो सबसे स्टेबल होगा टेट्राक्लोराइड्स में। डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं पेयर SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4। तो सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें PbCl4 होगा, और यही PbCl4 जो है ये इतना लीस्ट स्टेबल है कि ये PbCl2 में और क्लोरीन गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है। रिमेंबर के जो MCl2 टाइप क्लोराइड्स है, जिस तरह PbCl2 मैंने लिखा या SnCl2, दे आर आयनिक इन नेचर एंड दिस इज़ ड्यू टू द फजान्स रूल। हमने पिछली वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ा हुआ था कि फजान रूल सजेस्ट दैट स्मॉल हाईली चार्ज कैटायंस टेंड्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो पी बी प्लस पर अगर प्लस फोर चार्ज हो तो स्मॉल हाईली चार्ज होगा, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब यहाँ पर इस पर प्लस टू चार्ज है, तो इस वजह से ये आयनिक है, जिसको हमने डिटेल से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आएगी। तो PbCl4 आयनिक है, जो MCl2 टाइप है वो कोवेलेंट है, और MCl4 टाइप वो आयनिक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की हम बात करें, तो ऊपर वाले मेंबर जो कार्बन और सिलिकॉन है, उसमें प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड वो स्टेबल होंगे। डाउन द ग्रुप प्लस टू वाले वो स्टेबल होंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड फजान रूल के। डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट वो इंक्रीज होता है, और इनर जो 2s वाले NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जिसकी वजह से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसकी बनती है, दो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने इसको रिमेंबर करना है। इनके रिएक्शंस जो है क्लोराइड्स के वाटर के साथ, बहुत सिंपल रिएक्शन है। MCl4 वो वाटर के साथ रिएक्ट करके MO2 और HCl बनाता है, जिस तरह मैंने लिखा है कि SiCl4 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा SiO2 वाइट, वो बनता है HCl। PbCl4 अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो लेड ऑक्साइड प्लस HCl। इस तरह अगर MCl2 टाइप जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अब ये कोवेलेंट है,
लेकिन ये जो है यहाँ पर ये आयनिक है, तो आयनिक जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर आयन देते हैं, तो वो M प्लस टू और टू सी एल माइनस देंगे। जिस तरह अगर लेड क्लोराइड है तो पी बी सी एल टू वाटर के साथ रिएक्ट करके पी बी प्लस टू और टू क्लोराइड आयन एक सोल्यूशन में ये बना देंगे। यहाँ पर रिमेंबर के कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपने याद रखना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब क्यों ये एक्सेप्शन है, इसमें दो चीज़ें आपने समझनी होगी। एक तो ये कि वाटर के साथ अगर टेट्राक्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीजन आकर इस पॉजिटिव सेंटर कार्बन पर, चूंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन जो पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा तो यहाँ पर आकर इसको वो अटैक करेगा। सिमिलरली लेड में भी इस पर अटैक करेगा। अब कार्बन चूंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और क्लोराइड जो क्लोरीन जो एटम्स है उसके इर्द गिर्द वो बहुत बड़े हैं, इस वजह से ऑक्सीजन को पेनेट्रेट करने के लिए वो टाइम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, इसको स्पेस नहीं मिलती। लेकिन अगर हम पीवी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 10 और लेड, तो फिर साइज़ बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं वो सब के सब रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो रिएक्ट नहीं करता। दूसरी बात ये कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और सारी कहानियाँ मैंने आपको समझाई हुई थी, तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये भी रिएक्ट नहीं करता। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कार्बन का साइज स्मॉल है और दूसरे जो एलिमेंट्स है उनके साइजेस लार्जर है, उसको ऑक्सीजन अप्रोच कर सकता है बल्कि जबकि इसको वो नहीं कर सकता। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज सेशंस। टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।